hello traders and welcome to sss studio or sss studio is online training educational program may welcome okay so in this video i'm going to teach you three entry patterns okay सो so, अगर आप बिगिनर्स हैं या थोड़े एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं तो आपको ये पैटर्न्स एंट्री लेने के मेथड्स आपको एक नया आयाम देंगे एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ट्रेड करने का ओके सो so, इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको तीन ट्रेडिंग करने के तीन ट्रेड में एंटर करने से पहले उसमें एंट्री लेने के मेथड्स। ओके okay. जो ये तीनों के तीनों मेथड्स आपको एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने में पूरी मदद करेंगे ओके सो इस वीडियो में मैं आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने नहीं वाला इस वीडियो में मैं आपको कोई ट्रेंड लाइन बताने नहीं वाला मैं आपको वो चेज़ बताऊँगा जिसका यूज़ मैं खुद पर्सनली अपनी ट्रेडिंग में करता ओके okay. और इसकी एक्यूरेसी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई है एंड टेन आपको ये पूरी की पूरी मदद करेगी ये सिस्टम आपको पूरा मदद करेगा ओके सो मूव ऑन टू वीडियोस। ये पूरी मैं सीरीज़ एक लेके आ रहा हूँ टेन दस से लेकर के ग्यारह सीरीज़ हैं और एक सीरीज़ के अंदर uh, तीन से लेकर के चार वीडियोस होंगे जिसको धीरे धीरे करके मैं uh, शेयर करूँगा आप लोगों के साथ ओके okay. सो so, ये मेरी फ़र्स्ट सीरीज़ इसके अंदर मैं तीन वीडियोस लेकर के आऊँगा ओके okay. सो so, ये फर्स्ट वीडियो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट होगा सो so, थ्री तीन एंटी पैटर्न्स में मतलब सबसे पहला जो पैटर्न है ये फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा सेकंड वीडियो में सेकंड और थर्ड वीडियो में थर्ड ओके okay. दूसरी चीज हो गई और ये मेरा पहला सेशन है आ, एजुकेशनल वीडियोज का ओके okay. और अब मूव ऑन टू वीडियो ओके okay. अब वीडियो पर चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न ड्रॉइंग की ओके okay. सो so, इसके अंदर हम क्या करेंगे पहले जो पैटर्न हमें देखने हमें जो पैटर्न्स पढ़ने हैं हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ओके okay. सो so, सबसे पहले क्या देखेंगे ओके okay. अगर प्राइस अप साइड की मूव कर रहा है तो ये हायर हाई, हायर हाई हायर हाई हेलो तो ये अप साइड की तरफ मूव करता है ओके सो इसमें इस एंट्री मेथड में जब हम इस मेथड से एंट्री लेते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्राइस जब अप साइड की मूव दिखा रहा है तब हमें इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है ओके प्राइस अप साइड में है प्राइस रनिंग है हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे हमें इसके अंदर एंट्री लेनी होती कि जब प्राइस अपना लो ब्रेक कर देता है लो ब्रेक करने का इन देंस कि प्राइस अभी ये अप साइड की तरफ चल रहा है ओके अप साइड से जब ये डाउन साइड की तरफ मूव इसका स्टार्ट होगा ओके okay. जब इसका मूव डाउन साइड की तरफ स्टार्ट होगा तब हम ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे ओके okay. So, ऐसा करते कैसे हैं कि जैसे कि प्राइस ने ये हायर हाइज़ लगाने शुरू किए थे अभी ये सबसे लेटेस्ट हाई इसका ये लगा ओके okay. इस ड्राइंग को बहुत गौर से देखिएगा बाद में हम इसको अपने चार्ट्स पर समझने की कोशिश करेंगे ओके okay. तो एक हाई ये लगा और एक जो इसका लो लगा वो एक लो ये लगा ओके okay. तो प्राइस ऊपर गए ऊपर जाते से ये नीचे की तरफ गिरेगा ओके okay. सो so, प्राइस ऊपर के ऊपर से नीचे की तरफ जा करके ये गिरेगा ओके okay, इस ड्राइंग को और थोड़ा सा ही करते हैं कि ओके okay, अभी क्या होगा कि ये जो हाई लगा था उसके बाद में इसका सबसे लेटेस्ट लो जो लगा है वो ये वाला लो लगा है ओके okay, अभी देखिए प्राइस यहाँ पर करता क्या है कि जैसे ही ये ये वाला लो तोड़ेगा ये वाला लो तोड़ने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर एक लेवल वो टेस्ट करेगा ओके okay. और टेस्ट करने के बाद प्राइस यहीं से नीचे की तरफ बूम हो जाता है आप कोई भी चार्ट उठा करके देख लो कोई भी करेंसी उठा करके देख लो फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी फिफ्टी स्टॉक गोल्ड सिल्वर कुछ भी देख लीजिए सबके अंदर सेम चीज सेम पैटर्न यही होता है ओके सो आगे बढ़ते हैं अभी प्राइस के अंदर जब ये प्राइस नीचे की तरफ ये वाला लो ब्रेक करके ये वाला लो ब्रेकर के नीचे की साइड में जाएगा नीचे की साइड में जाके जब ये अप साइड की तरफ आता है और इस एरिए में ओके ये जो ये वाला एरिया है यहाँ से अप साइड में जाकर के कहीं भी हमें एक बियरिश मोमेंटम दिखाई पड़ता है हम प्राइस को तुरंत शॉर्ट कर देंगे और ये वाला जो ब्रेकआउट होता है हम इसको पूरी तरह से कैच करने की कोशिश करते हैं ओके तभी हमें बड़े बड़े मूव्स कैच करने को मिलते हैं जैसा कि मेरे लाइव ट्रेडिंग में आप लोग देखते हैं ओके सो so, अभी हम क्या करेंगे कि प्राइस जैसे अप साइड की तरफ गया यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट ड्रॉ होता है और इस पर एंट्री कब लेनी है कि बीयरिश जितने भी पैटर्न्स होते हैं आप उसको देखिए यूट्यूब पर बुक्स में पढ़िए पढ़ने की कोशिश कीजिए ओके सो so, जैसे ही वो बियरिश पैटर्न्स आपको नीचे की साइड में ब्रेक होते हुए दिखाई देते हैं लोअर टाइम ट्रेंड्स पर आप उसके अंदर एंट्री करो और बैठ जाओ एक मजबूत स्टॉप लॉस के साथ ओके बाईस वर्षा इसका हम लोग अप साइड की तरफ करते हैं ओके अब अप साइड की तरफ कैसे होगा कि जैसे प्राइस नीचे की साइड में गिरा फिर से हायर लोअर हाई लगा दिया लोअर लो लोअर हाइज लगाया लोअर लो लोअर हाइज लगाया लोअर लो लोअर हाइज लगाया ओके अभी इसने क्या किया कि जब ये नीचे की साइड में गिरता हुआ आ रहा था तो इसने जो सबसे लेटेस्ट लो लगाया वो ये लगाया ओके okay? और जो हाई लगाया वो ये लगाया अभी प्राइस क्या करेगा कि वापस जाएगा और ये वाला हाई ब्रेक करेगा हाई ब्रेक करने के बाद नीचे की साइड में आएगा ओके okay? और ये वाला जोन और ये वाला जोन याद रखिएगा प्राइस इस जोन को पूरा रिटेस्ट करता है कोई नहीं बता सकता कि प्राइस किस लेवल तक रिटेस्ट ये चीज़ देखनी होती हमें एक सिग्निफिकेंट डालना होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है ओके okay? अभी <coughs> जब यहाँ पर प्राइस आकर के रीटेस्ट करेगा और यहाँ से जब अप साइड की तरफ जाने लगे जाने लगेगा एक बुलिश बी बुलिश कैंडल्स को अप साइड की तरफ ब्रेक करता हुआ तब हम इसके अंदर बाई साइड में जाने की कोशिश करेंगे ओके पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अब हम चलते हैं वीडियोज़ के ऊपर अपने चार्ट्स के ऊपर ओके सो देखिए यह हमारा निफ्टी का चार्ट है ओके और इसको हम ये आवरली का आवरली है आवरली टाइम फ्रेम्स पर है ओके सो so, देखिए इसको हम पाँच मिनट्स में फाइव मिनट्स में कर लेते हैं ओके ठीक है यहाँ से इसको देखने की कोशिश करते हैं अभी देखिए क्या हुआ कि प्राइस नीचे की साइड में गया लोअर लोज लगे लोअर हाइज लगा लोअर लो लगे लोअर हाइज लगा लोअर लो लगे लोअर हाइज लगा लोअर लो लगे लोअर हाई लगा लोअर लो लोअर लो लो हाइज अभी देखिए कि प्राइस ने जो सबसे लेटेस्ट हाई लगा था यहाँ पर नीचे जाते समय जो सबसे लेटेस्ट हाई लगा था वो ये था ओके अब हाई लगने के बाद ये वाला लो लगा है और वापस से प्राइस अप साइड की तरफ घूम गया है एज पर वो ड्राॅइंग प्राइस वापस से इस जोन की तरफ आएगा और यहीं से अप साइड की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा इन सारी ड्राॅइंग्स को हम डिलीट करते हैं और केवल ये वाला एरिया आप देखिएगा जो सबसे लेटेस्ट हाई लगा हुआ है ओके तो देखिए यहां पर ये वाली कैंडल जिसने हाई लगाया हम उसका हाई मार्क करेंगे ओके आपको दिख रहा है कि प्राइस यहीं से अप साइड की तरफ घूम गया है ओके ये चीज क्लियर अभी ये इस वाले एरिया को आज वाले जोन को हम देखते हैं आज में क्या हुआ कि इसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं लोअर लो लोअर हाई वापस देखिए कि प्राइस नीचे गिर रहा था इसने एक हाई लगाया और वापस इस हाई को ब्रेक इसने किया इस वाले लो को सॉरी इस वाले लो को इसने ब्रेक किया प्राइस नीचे की साइड में गिरा अब हम क्या करेंगे इसको और इस वाले जोन को पूरी तरह से मार्क कर लेंगे ओके और प्राइस यही किसी जोन से नीचे की साइड में गिर जाएगा ये ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर जाना होता तो प्राइस ये वाला लो नहीं तोड़ता इस वाले लो को तोड़ के फिर ये रिट्रेस नहीं होता और अगर रिट्रेस ही होना था तो यहीं से ऊपर निकल जाता रिट्रेस होने के बाद ये नीचे नहीं आता ओके क्लियर सो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि चीज़ आपके समझ में आई होगी सेकेंड चीज अब हमें एंट्री कहां पर लेनी है आ, प्राइस आप साइड की तरफ गया नीचे आया नीचे आते पे इसने क्या किया ये वाला अपना एक लो ब्रेक किया लो ब्रेक कर लेने के बाद प्राइस आ, यहां से जैसे ही नीचे जाएगा हमें जो एंट्री है ना वो यहाँ पर इस वाले जोन के अंदर एक बियरिश कैंडल देखनी है बियरिश कैंडल इन सेंस कि कोई भी मान के चलिए कि सबसे सिंपली जो हमको मिल जाती वो है मदर कैंडल या इनवर्टेड हैमर या फिर इंगल्फिंग पैटर्न तो यहाँ पर देखिए सबसे इजीली हमको क्या मिल रहा है कि प्राइस में जब ये वाला लो लगा था ओके तो इसके बाद देखिए कि इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर एक इनवर्टेड हैमर बना ओके okay. हैमर बन जाने के बाद अगर यह हैमर बन रहा है और ये नीचे की तरफ हैमर ब्रेक हो रहा है ये हैमर बन रहा है और यह हैमर नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है तो क्या ये यहां पर हमें यह नहीं दिखा रहा है यह नहीं दर्शा रहा है कि प्राइस यहां से वीक हो रहा है एक हैमर का बनना उसके बाद हैमर का नीचे की साइड में ब्रेक हो जाना ओके okay. तो अभी हम क्या करेंगे इस हैमर के नीचे ही हमको वो लगाना है अपनी एंट्री ओके इस रेड वाली लाइन को हम डिलीट कर देते हैं ओके क्योंकि अब ये रिट्रेसमेंट के लिए हमने इसका यूज़ किया था प्राइस यहाँ से रिट्रेस होकर के ऊपर की तरफ गया हम इसको डिलीट कर देते हैं ओके अभी देखिए कि प्राइस नीचे की तरफ टूटा अब जो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा वो अप साइड की तरफ लगेगा ओके ये हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर हम एंट्री लेंगे ओके और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा ये लेवल ओके कि इससे पहले जो सबसे बड़ा सबसे लेटेस्ट जो इसका नीचे की साइड में लो लगा हुआ है सबसे लेटेस्ट लो अब उसको लेंगे अपने टारगेट्स के लिए और वो टारगेट हमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो टारगेट समय अचीव ना हो वरना हंड्रेड परसेंट वो टारगेट्स अचीव हो जाते हैं ओके सो so ये तो हुआ निफ्टी का ओके आप इसको किसी भी चार्ट्स पर लगा करके देख लीजिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती आप मुझे बताइएगा मैं हंड्रेड परसेंट उस चीज़ का जवाब दूंगा आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट्स में ही आपका आपके सारे जवाब आपको मिलेंगे ओके ओके सो अब हम चलते हैं अपने स्टॉक्स के ऊपर कोई भी रैंडमली कोई भी स्टॉक हम लोग ले लेते हैं ओके सो अभी देखिए मेरे पास वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक हैं इतने सारे इसमें हम रेंडमली कोई भी स्टॉक ले लेते हैं कोई भी स्टॉक मान के चलिए कोई भी स्टॉक जैसे अडानी पोर्ट्स ही आ गया है चलिए अब अडानी पोर्ट्स को हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं देखिए क्या हुआ प्राइस में यहाँ से लोअर लॉस लगने स्टार्ट हुए क्या लोअर लॉस लग रहे हैं ओके लोअर लो लोअर हाई ओके अभी यहां से एक भी हाई ब्रेक नहीं हुआ था ओके यहां से कहीं भी हाई ब्रेक नहीं हुआ और वापस जब हम देख रहे हैं कि प्राइस इस लेवल पर है इसने अपना हाई ब्रेक नहीं कर दिया ये वाला हाई ब्रेक किया गया अब अगर प्राइस ये वाला हाई ब्रेक करेगा इसको हम पूरा साफ कर देते हैं इसको वापस से फिर से समझने की कोशिश करते हैं इसको बहुत गौर से देखिएगा ओके सो ये है ये हाइस लग रहे थे ओके अभी कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ और ये सबसे पहला हाई है जो कि ब्रेक हो गया अपसाइड की तरफ ओके अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया ओके और अब हम देखेंगे कि प्राइस इसको हम मार्क कर लेते हैं ये एरिया याद रखिएगा दो बज के पचास मिनट की कैंडल है ओके okay. सो so, दो बज के पचास मिनट की कैंडल और ये वाला इसका लो ओके तो ये एक एरिया हो गया अब यहाँ से हमें एंट्री कब लेनी है कि मैंने बताया प्राइस को जब नीचे से अप साइड की तरफ हमें ट्रेड करना है तो इसके अंदर हमें कोई बुलिश सिग्नल्स mm, दिखने चाहिए सो बुलिश सिग्नल्स क्या है अभी तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है घूमता हुआ ओके okay. ये और यहां पर सबसे बड़ा बुलिश सिग्नल हमें दिखता है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इससे बड़ा मैंने समझता कि इससे भी बड़ा कोई बुलिश सिग्नल होगा ओके अब अगर प्राइस को नीचे ही जाना होता है तो इतना बड़ा इसके अंदर रिजेक्शन नहीं आता ओके इसमें सिंपल लॉजिक लगाएगा कोई भी इंडिकेटर आपके लॉजिक की जगह नहीं ले सकता ओके So, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने लॉजिक से काम कीजिए इतना बड़ा एक हैमर नहीं बनता हैमर बनना ही था ठीक है अब अगर हैमर बनना है तो हैमर अप साइड की तरफ ब्रेक ना हो अब गलती से अगर ब्रेक हो गया तो प्राइस नीचे की तरफ आ जाए आ जाए और इस वाले का लो तोड़ दे जो पिन बार बनी है इसका लो तोड़ दें अभी लो भी नहीं तोड़ा और प्राइस अप साइड की तरफ निकल गया इसका सीधा सीधा संकेत है कि प्राइस अब नीचे नहीं जाना चाहता ऊपर ही इसका मूव हो सकता है अब अगर जब हम इतना समझ रहे हैं तो अब यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनती है वो बनती है स्पिन बार के ऊपर में ओके प्राइस ऊपर की साइड में ब्रेक होता है नीचे आता है तो अब इसको नीचे की साइड में ब्रेक कर देना चाहिए था प्राइस नीचे नहीं ब्रेक हुआ प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा यानी कि अब हम यहाँ पर एंट्री लगा सकते हैं अपनी और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर होगा एंट्री होगी वो यहाँ पर होगी इसके बाद ये सारा मूव आपका है और इससे लेटेस्ट जो सबसे हाई लगा है यही हमारा टारगेट हो जाएगा ओके इस वाली लाइन इन लाइंस को हम डिलीट कर देते हैं ओके और ये हमारी एंट्री लाइन है और ये हमारा स्टॉप लॉस है ओके ये स्टॉप लॉस है हमारा देखिए प्राइस में बहुत कम ऐसा होगा कि प्राइस आपको आपका स्टॉप लॉस लेकर के जाएगा वरना बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको आपका टारगेट ही आप जितनी भी बार मिलेगा चार्ट उठा करके देख लो रेंडमली आप कोई भी चार्ट ऐसा उठा लो ओके अब देखिए जैसे यही है अभी आपको यहीं से ट्रेड करना होता है इसको तो आप क्या करते हैं कि प्राइस लोअर लो लोवर हाइज लगा रहा है लूव लोवर लो लोअर हाइज लगा रहा ओके लोवर लो लोवर हाइज लगा रहा अभी देखिए इसने ये वाला हाई ब्रेक कर दिया ये वाला हाई अपना ब्रेक किया अभी देखिए क्या होगा इस इस जोन को याद मार्क याद रखिएगा ओके हम इसको मार्क करेंगे ठीक है इसका ये है लो है ओके अभी अगर प्राइस को वाकई में नी ऊपर की तरफ जाना है तो ये पहली चीज़ तो ये इसका लो नहीं ब्रेक करेगा ये लो ब्रेक नहीं करेगा ओके अब प्राइस अप साइड में गया एक रिट्रेसमेंट हुई ओके हमारी ड्राॅइंग्स के ऊपर ड्रॉइंग्स के अकॉर्डिंग प्राइस ये है ये वाला हाई लगाया था अभी प्राइस ने क्या किया इसका हाई ब्रेक किया ब्रेक कर देने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ और ये वाले रिट्रेसमेंट ये हमें पूरी तरह से कैच करना है तो यानी कि हमें एंट्री यहाँ कहीं लेनी होगी यहाँ पर एंट्री लेना है तो इसका मतलब यहाँ कहीं हमें बुलिश मोमेंट ढूंढना पड़ेगा अब बुलिश के लिए हम क्या कर सकते हैं क्या ये हम इंगल्फिंग पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं नहीं इंगल्फिंग पैटर्न तो क्या हमारे लिए यहाँ पर मदर कैंडल बन रही है क्या Okay. अगर हम ढूंढेंगे तो इस ही जोन के अंदर हमें चार पांच बोलिश सिग्नल्स दिख जाएंगे ओके okay. अब अगर हम मान करके चलते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ओके okay. इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं ये वाली जो कैंडल है आप इस रेड वाली कैंडल को देखिएगा ये रेड वाली कैंडल ओके okay. अब इस रेड वाली कैंडल का हम हाई और लो मार्क करेंगे ओके okay. अभी प्राइस अप साइड की तरफ निकलने की बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा ऊपर से इसको रिजेक्शन मिल रहा है फिर से रिजेक्शन मिल रहा है लेकिन प्राइस लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है यानी कि प्राइस अपसाइड में ही जाने की कोशिश कर रहा है तभी तो ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है बार बार और एट दी एंड क्या हुआ कि इसने इस वाली ग्रीन कैंडल को दो बज के बीस मिनट की कैंडल को अप साइड की तरफ ब्रेक कर दिया दो बज के बीस मिनट की कैंडल ने प्राइस को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया ब्रेक किया आप यहीं पर एंट्री लीजिए और इसके जस्ट लो पर अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए ओके आप यहाँ कहीं एंट्री लीजिए और इस टॉप लॉस इसके लो पर लगा दीजिए आपका स्विंग लो ओके और उसके बाद सारा मूव आपका है ओके सिंपल चीज़ है आप किसी भी स्टॉक पर किसी भी करेंसी पर आप इसको यूज करिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइए मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा ओके सो तो अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज इसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ओके सो so, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इसकी दूसरा एक मेथड देखेंगे एंट्री लेने का और उस दूसरे मेथड के बाद इसका तीसरा तीसरा पार्टी करके होंगे जिसमें हम तीसरा मेथड देखेंगे एंट्री लेने का ओके तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कीजिए ओके सो थैंक यू